वेल, करण कुंद्रा ने अब प्रूव कर ही दिया है कि उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ तेजस्वी प्रकाश है और उनकी ज़िंदगी में जो भी खुशी के पल होते हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रकाश से ही रिलेट करता है। आखिरकार करण कुंद्रा ने किन चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया पर अपने यूजर्स को बताया है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आए दिन करण कुंद्रा के फैंस जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि काश करण कुंद्रा उनके कमेंट्स पर कोई तो रिप्लाई कर दे। वेल, कल ही करण कुंद्रा काफ़ी ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जहाँ कि उन्होंने अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स और हर एक एक क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, जिसके बाद कि फॉलोअर्स के दिल में तो खुशी हुई ही, साथ ही साथ ये भी जानने को मिल गया कि करण कुंद्रा के लिए आखिरकार उनकी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है। जी हाँ, आपको बता दूँ कि करण कुंद्रा के फॉलोअर ने एक सवाल पूछा कि आखिरकार तुम्हारे ज़िंदगी का रिसेंटली सबसे खुशी वाला लम्हा कौन सा था, यानी कि जो रीसेंट हुआ है और उससे तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली है वो आखिरकार कौन सा था। वेल, करण कुंद्रा इस पर रिप्लाई करते हैं, लड्डूज विनिंग एन अवार्ड, यानी हम देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रकाश जैसे वेल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रकाश आए दिन अवार्ड्स, आए दिन हर एक चीज़ों में नंबर वन की पोजीशन हासिल कर रही हैं और रिसेंट ही तेजस्वी प्रकाश ने एक बहुत ही बेहतरीन सा अवार्ड भी अपने नाम किया है और इसी बात को लेकर करण कुंद्रा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए हैं और रिसेंटली ही उनके ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा मतलब कि एक खुश नसीबी वाला जो पल कह सकते हैं, एक मोमेंट कह सकते हैं, वो करण कुंद्रा ने कहा। वेल, करण कुंद्रा के प्यार की भी दाद देनी होगी क्योंकि करण कुंद्रा की लाइफ में भी बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है, जैसे लॉकअप का करंटली करण कुंद्रा ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, डांस दीवाने जूनियर का करण कुंद्रा होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन करण कुंद्रा ने अपनी लाइफ को लेकर जितनी खुशी नहीं जताई है उतनी ही तेजस्वी प्रकाश के ज़िंदगी के खुशी को खुद की खुशी माना है। वेल, आपके क्या कुछ रिएक्शन है करण कुंद्रा की इन बातों पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।